हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ फिजिक्स पार्ट वन पे, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रोटेशनल डायनेमिक्स। इस रोटेशनल डायनेमिक्स में ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसमें हम डेरिवेशंस पढ़ने वाले हैं। वो डेरिवेशन पाने के लिए तुम्हें कि जो डायग्राम में रिजोल्यूशन होता है कि अलग अलग कंपोनेंट कैसे हम दिखाते हैं, वो रिसॉल्व करने के लिए किस मेथड का इस्तेमाल होता है, वो कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों को ये नहीं पता होता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, सर फ्रिक्शन क्या होता है, सर मोशन कैसे होते हैं, वो उनको पता नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तुम्हें वो छोटी छोटी बातें क्लियर कर दो। जब तुम्हें वो क्लियर हो जाएगा तब जाके आगे अगर मैं डायरेक्शन कर रहा हूँ कि सर आप ये क्लॉकवाइज ले रहे हो क्यों ले रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो क्यों, फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऐसे ही क्यों लिया आपने, तो वो सारी बातें मैं तुम्हें यहाँ पे क्लियर करने जा रहा हूँ। तो अगले लेक्चर में मैं तुम्हें डेरिवेशन पढ़ाऊंगा। तो फर्स्ट जो छोटी छोटी बातें हैं ये रोटेशन डायनेमिक्स में जो भी डेरिवेशन में यूज होने वाला है मैं पहले तुम्हें वो बताता हूँ अच्छे से। तो पहला है मोशन। ये मोशन कैसा होता है, मोशन किस तरह के होते हैं, इस चैप्टर में पढ़े हैं। चैप्टर का नाम देखो, नाम में ही छुपा है रोटेशनल। रोटेशन का मतलब सीधा तो नहीं होगा, पहली बात। रोटेशन मतलब कोई भी चीज रोटेट हो रही है, मतलब तुम्हारे नजर में आना चाहिए कोई घूमती हुई चीज। अब ऐसी कौन कौन सी चीजें तुम्हारे सामने घूमती है, जिस अर्थ पे रहते वो भी घूमता है पर हम इतना गौर नहीं करते। उसके बाद फैन, सबसे पहले फैन कि हर आज गर्मी का सीजन है, सबको पता होगा लाइट जाने के बाद कि फैन तो जरूरी है, फैन घूमता है। फैन कैसे घूमता है, वो हो गया तुम्हारे घर के अंदर घड़ी होगी, या फिर तुम कहीं स्टेशन पे जाओ, जो बच्चे स्टेशन में वहां पे एक बड़ा सा घड़ी लगा होता है, उसमें कांटे होते मिनट हैंड सेकंड आवर हैंड्स होते, वो क्लॉक में तुम उस कांटे को देखो कैसे घूमता है, उसका डायरेक्शन क्या है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि आज तुम्हें घर पे देखना है कि वो घूमता कैसे। एक्चुअली हम खुद जज नहीं करते हो कैसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद का टॉपिक है फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन सर क्या होता है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, वो तुम्हें बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन की, और रोटेशनल मोशन का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो गोल गोल घूम रहा हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हो या फिर वो ऐसे भी घूम सकता है, इसको हम कहते हैं रोटेशन। देखो एक बार मैंने ऐसे घुमाया, मेरे हाथों का डायरेक्शन देखो कैसे, ये एक हो गया। अब दूसरा देखो कैसे घुमा रहा हूं, दोनों सेम तो नहीं था पर दोनों रोटेट हुए, गोल सर्कल बनाए। हाँ तो डिफरेंस क्या लगे, एक मैं ऐसे घुमाया मतलब ये डायरेक्शन में घुमा रहा था और एक मैं उस डायरेक्शन में घुमा रहा था, ये ऐसे घूम रहा था और वो ऐसे घूम रहा। तो ये दोनों डायरेक्शन रोटेशन के, बट इसमें एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉक, क्लॉक क्लॉक का मतलब होता है घड़ी। घड़ी का कांटा कैसे घूमता है, तुम्हें देखा होगा कि घड़ी का कांटा जो होता है वो ऐसे घूमता है, बराबर। मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, जो जो बच्चे हमारे पास पहले से पढ़े हैं और पढ़ रहे हैं उन्हें ये सब पता है, पर जो नए बच्चे आने वाले हैं शायद उनको ना पता हो, इसलिए मैं बेसिकली पूरे छोटी छोटी बातें उनके सामने बता रहा हूं। अभी ऐसे क्लॉक घूमता है तो ऐसे बताओ, इसको मैं ए बोलता हूँ, इसको बी बोलता हूँ, ये ऐसे घड़ी का कांटा ऐसे घूमता है। अब मुझे बताया ये डायरेक्शन वाला ए में है कि बी में, किसमें, बी में, बी, ये इसकी जैसा घूम रहा है, इसका मतलब ये घड़ी जैसे घूम रहा है, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज है और ये घड़ी के अपोजिट घूम रहा है, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो बी वाला क्या हो गया मेरा क्लॉकवाइज और ए वाला क्या हो गया मेरा ए एंटी क्लॉकवाइज, ये होते हैं तुम्हारे डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन की बात कर रहे थे, इसमें एक था क्लॉकवाइज और एक था एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज, अब सर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमें कौन सी वैल्यू देते हैं, प्लस की माइनस, वो देखो। जैसे ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, हमेशा एंगल ये जो एक्स है इसी से बनता है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहां पे पॉजिटिव होता है, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। अब मुझे 30 डिग्री बनाना है, 30 डिग्री, मैं नीचे नहीं जाऊंगा, नीचे ये ऐसे हो जाएगा और ऊपर ये ऐसे हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज हो गया और ये एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज हमें क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू और एंटी क्लॉकवाइज देगा हमें पॉजिटिव वैल्यू, तो ये मेरा प्लस 30 डिग्री यहाँ पे आएगा। इसलिए तो क्लॉकवाइज ऑलवेज गिव्स नेगेटिव वैल्यू, एंटी क्लॉकवाइज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू।
तो क्लॉकवाइज का देगा माइनस, एंटी क्लॉकवाइज देगा प्लस। अब बात आती है फ्रिक्शन की, बात आती है फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन क्या होता है, बस इतना याद रखना कि फ्रिक्शन जो होता है वो कोई भी मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। क्या करता है, अपोज। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे सामने अगर मेरे सामने फुटबॉल पड़ा है, मैंने उसको पैर से किक मारा, क्या लगता है वो फुटबॉल यहाँ से दिल्ली तक जाएगा? नहीं, वो ग्राउंड पे जाते 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 कहीं ना कहीं रुक जाएगा। इसका मतलब जो ग्राउंड का सरफेस है और जो फुटबॉल है उसके बीच में पॉइंट है, वो क्या कर रहा है, पहले जब मैंने मारा था उसकी स्पीड ज्यादा थी, धीरे 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 वो कहीं ना कहीं जाके रुक गया। इसका मतलब कि वो जो मोशन था उसको किसी ने अपोज किया, जो अपोज किया वही होता है तुम्हारा फ्रिक्शन, वही होता है फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमेशा मोशन की क्या रहेगा, अपोजिट, क्या रहेगा, अपोजिट। बस कितना ही याद रखना, तो ये मोशन फ्रिक्शन और ये डायरेक्शन। इसके अगले लेक्चर में तुम्हें मैं डेरिवेशन पढ़ाऊंगा जिसमें हम एफबीडी यूज करने वाले, तो ये सारी चीजें वहां पे यूज होगी।